शख्स, क्या आपने कभी प्लास्टिक खाया है? आपने कभी च्युइंग गम खाई है? बिल्कुल खाई है। तो आपने प्लास्टिक तो खाया है, क्योंकि मार्केट में बनी हुई अधिकतर च्युइंग गम्स में कई तरह के प्लास्टिक कंपाउंड्स होते हैं। एक प्लास्टिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, और इसी पॉलीविनाइल एसीटेट से बनता है टायर्स, ग्लू, और एक छोटी सी च्युइंग गम को 100 से ज्यादा साल लग जाते हैं बायोडिग्रेड होने में। अभी टायर्स और च्युइंग गम के इंग्रेडिएंट्स एक हो, ये तो सही नहीं है ना शख्स? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लेके आए इंडिया का पहला प्लास्टिक फ्री 100% नेचुरल च्युइंग गम, गुड गम। नमस्ते शख्स, ये मेरे बड़े भाई मयंक, और ये मेरा छोटा भाई भुवन, और हम आए हैं नम बेंगलुरु से। गुड गम बना है एक स्पेशल ट्री, चीकले ट्री के सैप से, जिसको जब हम डिस्पोज करते हैं वो अन्य च्युइंग गम्स की तरह अपने सराउंडिंग्स में चिपका नहीं रहता, बल्कि मिट्टी के साथ बायोडिग्रेड हो जाता है। गुड गम आते कई एक्साइटिंग और टेस्टी फ्लेवर्स में, जैसे चारकोल, रास्पबेरी, सिनेमन, लेमन। हमारी च्युइंग गम्स बनती है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से। हम यूज करते हैं एसेंशियल ऑयल्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और नेचुरल स्वीटनर्स, जो इसे बनाती है किड फ्रेंडली और डायबिटिक फ्रेंडली। शार्क्स, अब तक हमने 17,000 से भी ज्यादा कंज्यूमर्स, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज को केटर किया है। हमारे च्युइंग गम के जरिए हमने 850 किलो से भी ज्यादा प्लास्टिक एनवायरमेंट में जाने से बचाया है, और हमारी च्युइंग गम अवेलेबल है हमारी वेबसाइट goodgum.in, अमेजोन पे और रिटेल 14 शहरों में 120 से भी ज्यादा स्टोर्स अक्रॉस इंडिया में। गुड गम एक इजी और टेस्टी तरीका है अपने ओरल केयर, जॉ लाइन और क्रेविंग्स पे कंट्रोल रखने का। शार्क्स, हम गुड गम को एक लेगेसी ब्रांड बनाना चाहते हैं। अभी के लिए इंडिया में च्युइंग गम एक टाइम पास और मजे की आइटम है, बट हम च्युइंग गम के हेल्थ बेनिफिट्स को एंडोर्स करके इसे एक एसेंशियल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमारी आपसे आस्क है आपकी इनवैल्यूएबल एक्सपर्टीज, गाइडेंस और जस्ट 50 लाख रुपीज फॉर 5% इन आवर कंपनी। तो चलिए शार्क्स, रिप्लेस करते हैं बैड गम विद गुड गम। ऑलराइट, वेलकम टू शार्क टैंक। जस्ट कैवियट, हम मिले हैं पहले, आई थिंक वर्चुअली। Yes. एक साल से ज्यादा हो गया। 9 months ago. Great. आपकी उम्र क्या है? I'm 24 and I'm 29. बहुत यंग लगते हैं। और आपका बैकग्राउंड क्या है? So ma'am, I have completed मेरा बैचलर इन केमिकल इंजीनियरिंग, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बैंगलोर। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स इन फूड साइंस किया इन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम। फूड साइंस क्यों पढ़ा आपने इंजीनियरिंग के बाद? बचपन से ही मैं लेबल्स पढ़ते आया हूँ। आई ऑलवेज बीइंग क्यूरियस कि हम क्या खा रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग किया, उसमें एक इलेक्टिव था फूड साइंस, एंड देन उसके बाद मैंने मास्टर्स करी फूड टेक में। और आप? आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं ऑलवेज सस्टेनेबिलिटी में इंक्लाइन था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ परिवर्तना ग्रुप इन क्राइस्ट कॉलेज, जहाँ पे हमने बहुत केस स्टडीज के माइक्रो प्लास्टिक्स पे। पोस्ट माई ग्रेजुएशन आई गॉट इन टू डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग। उसके बाद मैंने हाइड्रोपोनिक्स, एक फ्रेशनेस करके कंपनी थी, जहाँ पे मैं CMO था। 24 साल के हुए नहीं, तुम CMO ऑलरेडी रह चुके हो। छोटी स्टार्टअप होगी। Yes, so it was hydroponics, basically making plants from both. Can I have some good gum? Sure. I think मैंने आपको Instagram पे देखा है। Oh, fantastic. आपके कितने followers हैं Instagram पे? 4,400 के आसपास। सही है। कहीं कोई आपके साथ बात कर चुका है, कोई आपको व्लॉग फॉलो कर रहा है? Which products? Raspberry, charcoal spearmint. Give me strawberry. बहुत अच्छी पैकेजिंग है। Love it. Thank you. इसे बबल बनते हैं क्या? वो आपके स्किल पे डिपेंडेंट है। बस जो बचा कुछ है मेरे साथ है। सर, यू शुड ट्राई चारकोल मिंट, बिकॉज अब बहुत कूल है और मिंट हमारा बहुत कूल है। भाई, तेरी पैकिंग तो बहुत खराब है च्युइंगम की। क्या हुआ? मतलब ऐसे ये प्लास्टिक की पैकेट में च्युइंगम ऐसे? तो बेसिकली हम लोगों ने जब इनिशियली स्टार्ट किया था, तब पेपर पैकेजिंग यूज कर रहे थे, बट इंडियन मार्केट के कारण ह्यूमिडिटी, जैसे मुंबई और दिल्ली में हमको बहुत स्टेन्स आने लग गए बॉक्स के ऊपर, बिकॉज वी यूज ज़ाइलिटॉल, जो एटमॉस्फेरिक वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है। आपने यहां लिखा है, रेगुलर च्युइंगम्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, बट वी सेल इट प्लास्टिक। वी आर वर्किंग ऑन दैट। वी रियली डिडंट वांट टू यूज प्लास्टिक, बट ये LDP है, we, this can be recycled also. ये क्या है? This is a sticker. ये मेरे में खाली पेपर है. Maybe throw the thing. Yes, to spit. ये खाली पेपर out. Yes. Oh, nice. What is the खाली पेपर? Good, to spit it out. Super concept. क्योंकि हम लोग हमेशा ढूंढते हैं. ये बहुत functional paper नहीं मिला. कि chewing gum के बाद tissue चाहिए. कहाँ फेंके? But the taste is nice. Thank you, sir. Thank you so much. तो एक-एक individual piece ऐसे paper में wrap करके नहीं डाला जा सकता? So we're working on a paper material. और वो जो पेपर है, that will mark as an individual wrapper, और उसपे एक biopolymer का lamination. इसमें
है कुछ दांतों के लिए अच्छा भी होता है क्योंकि हमारी कंपनी है परफोरा, उन्होंने एक सेम लुकिंग च्युइंगम निकाली, हम ही बनाते हैं, इट्स अ को ब्रांडेड च्युइंगम, co-branded च्युइंगम विद परफोरा, सो वी हैव टू फ्लेवर्स फॉर परफोरा आल्सो। एंड वो कोई स्पेशल रेंज है जो दांत के लिए अच्छी है कि आप बोल रहे हैं सारी च्युइंगम? जैसे आप अब्रॉड देखोगे US UK में च्युइंगम इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट, लोग उनके बैग में लेके घूमते हैं बिकॉज वहाँ पे डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है, पीपल उनको दे कांट अफोर्ड कि उनको कैविटीज हो जाए बिकॉज मतलब फिलिंग कराना महंगा पड़ जाता है। तो च्युइंगम से कैविटी नहीं होती? नहीं, इससे नहीं होती, शुगर लेस। बूमर और वो सारी जो च्युइंगम होती है उसमें शुगर होता है। इसमें ज़ाइलेटॉल है? Yes, yes. ज़ाइलेटॉल प्रोटेक्टिंग योर टीथ कैविटीज फ्रॉम। ज़ाइलेटॉल सेफ है? Yes, it's natural. नहीं, जब लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी मैंने ट्राई किया था, इट वॉज टेरेबल, याद है वो मैंने आपको इनपुट दिया, आपने बताया था। तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। थैंक यू, वेल डन। आपका जो कंटेंट है, मार्केटिंग है, किस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं? 22 से 45 की एज के ग्रुप। 22 टू 45? किड्स को नहीं करते आप? किड्स बिकॉज इट इज अ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट राइट नाउ। 100 रुपए का ये? हाँ, 100 रुपीज, आई सॉ दैट। बहुत महंगा भाई। हाँ, इट इज 2x ऑर्बिट, 50 में आती है। अरे ऑर्बिट छोड़, वैसे तो 1 रुपए में भी आती है बूमर वगैरह। हाँ। सर वो शुगर वाली है, वो आपको कैविटीज देगी, फिर आप डेंटिस्ट को लाखों देंगे। क्यों है महंगा बता, क्यों है महंगा, क्या है? आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को मैंने रिप्लेस किया है, नेचुरल जो कलर्स आते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट ऑरिजिन के वो महंगे आते हैं। रेगुलर च्युइंगम्स जो PVA या पॉलीएथिलीन के गम बेस से बनती है वो एटलीस्ट 25% ऑफ माई गम बेस का कॉस्ट। अभी के लिए मेरा गम बेस थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आगे जाके जैसे स्केल बढ़ेगा तो मेरा गम बेस सस्ता हो जाएगा और तब हम एक बेटर ईजी टू बाई प्रोडक्ट बना पाएंगे। हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इसको 75 के पास लाया जाए। जब मैंने आपको पूछा कि आपका टारगेट एज क्या है, I was very surprised to hear 22 to 45. हाँ। Adults, मैंने ज्यादा लोगों को ऐसे च्युइंगम खाते देखा नहीं है। मैम बहुत खाते हैं पीपल। मैं भी खाता हूं भाई। हाँ, बहुत लोग च्युइंगम खाते हैं। सारे एथलीट्स च्युइंगम खाते हैं बिकॉज इट हेल्प्स। टीनेजर्स से ज्यादा एडल्ट्स च्युइंगम खाते हैं। मैम सो आई विल टेल यू, हमारा जैसे आई विल गिव यू द ब्रेकअप, देयर इज एथलीट्स इज अ बिग मार्केट, पेरेंट्स हु बाय च्युइंग गम्स फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर किड्स। सो कैंडी के रिप्लेसमेंट हम एंडोर्स नहीं करते, बट मदर्स एज अ रिप्लेसमेंट टू कैंडी उनको देते हैं। और क्या कौन है टारगेट? स्मोकर्स। हां, स्मोकर्स इज अ बिग मार्केट एंड डायबिटिक पीपल। स्मोकर्स एंड डायबिटिक पीपल, ये चार किस्म के आपके कस्टमर्स है प्राइमरीली? प्राइमरीली। इंडिया में ये गम का जो मार्केट है कितना बड़ा है, टॉप प्लेयर्स कौन है, कितने साइज के, थोड़ा ये बताएंगे? इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, जैसे कि इधर आर ओनली 3-4 बड़े प्लेयर्स, रिग्लीज, परफेटी, लॉटे, और 1,000 crore का मार्केट है इंडिया में च्युइंग गम्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये तीन बड़े प्लेयर्स हैं। कितना शेयर है ऑर्गेनाइज्ड का? 1,000 crore का पूरा मार्केट है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज? टोटल रिटेल सेल्स वैल्यू जो हमको रिपोर्ट। ऑर्गेनाइज कितना है इसमें? ऑर्गेनाइज सर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी पैक्स ऑफ च्युइंग गम, जैसे कि नॉट द सिंगल च्युइंग गम जो पान की दुकान में बिकती है, बट फुल पैक। तो वो हम अनुमान लगा रहे 30% जितना हो सकता है, सो 300 crore। पर इतना छोटा कैसे हो सकता है? 12-13 lakh की जो छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें भी च्युइंग गम मिलती है। हाँ। तो जितना कैंडीज का मार्केट है उसके एटलीस्ट आधा तो होना ही चाहिए। इतना 1,000 crore तो बहुत छोटा साइज छोटा है ना, बहुत स्मॉल मार्केट, हाई प्राइस, टू स्वीट फॉर मी, सो आई एम आउट। But thank you for educating me about this market and the consumer. Appreciate that. Thank you, ma'am. कैसे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जहां इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं? आप बोल रहे 1,000 crore। हमको एक च्युइंग गम को एक डेली एसेंशियल प्रोडक्ट बनाना है। आप कैसे बनाओगे अगर ऑर्बिट बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बना पाई? करेक्ट। तो जैसे मैं आपको पूछूंगा, गमीज का मार्केट इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट था 7 साल पहले, बट गमीज इज नाउ अ गुड 500-600 crore मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, करेक्शन, गमी एक नया फॉर्मेट है फॉर सेम ओल्ड प्रोडक्ट। जो चीज आप स्वॉलो करते थे आप गमी के थ्रू खा रहे। करेक्ट, बट हमको यही फंक्शनल बेनिफिट्स च्युइंग गम में डालने हैं। नाउ वी आर टॉकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको एज अ हेल्थ सप्लीमेंट रिपोजिशन करना चाहते हो? आगे जाके वही करना है। हमारे एक कैफिनेटेड च्युइंग गम रेडी है जो स्पोर्ट्समैन, हमारे बहुत एथलीट्स ने पूछा है, क्रिकेटर्स वगैरह, दे च्यू अ गम फॉर लाइक 40 ओवर्स टुगेदर। वी आर वर्किंग विद अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन हैदराबाद जो इंडियन ओलंपिक आर्चरी टीम के साथ काम कर रही है, एंड साइकोलॉजिस्ट यूज च्युइंग गम्स एज अ क्यू टू ट्रेन देयर ब्रेन कि अगर मैं जब गेम खेल रहा हूँ और मुझे मेरी गेम की टेक्निक अभी थोड़ी चेंज करनी है, इफ आई एम प्लेइंग डिफेंसिव और मुझे अटैकिंग खेलना है, तो आई विल च्यू द गम डिफरेंटली, सो ऑटोमेटिकली द ब्रेन क्यूज माई बॉडी टू प्ले दैट
इंटरेस्टिंग. और आगे जाके हमारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में वी वॉन्ट टू बी द गुड अमंगस्ट द बैड. तो हमको लॉलीपॉप्स बनानी है, कैंडीज बनानी है, कॉफ ड्रॉप्स बनाने हैं. सो कन्फेक्शनरी में इज वॉट वी आर लुकिंग एट. और इस इंडस्ट्री में देयर इज नॉट शुगर फ्री कन्फेक्शनरी ब्रांड आपका. नॉट शुगर फ्री, बेटर फॉर यू कन्फेक्शनरी ब्रांड. इसके इकोनॉमिक्स बता. चल 100 रुपए का डब्बा, 99 रुपीज का MRP है. उस पर हमारा ब्लेंडेड डिस्काउंट अक्रॉस ऑनलाइन ऑफलाइन 11% जाता है, 18% GST जाता है. उसके बाद देन मेरे कॉग्स आते हैं 23 रुपीज, मेरी सैलरी 7 रुपए, एडमिन कॉस्ट आता है 3 रुपए, और शिपिंग आता है अप्रॉक्सीमेटली 7 रुपीज, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग आता है 7 रुपीज. तो लास्ट में जाके मेरे पास अराउंड 23-24, मतलब वो अप्रॉक्सीमेटली उतने बचते हैं. रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 3 रुपए जोड़ दिए. 3 रुपए इसमें जो, तो 18 रुपए बचे. तो आज प्रॉफिट कमा रहे हो? यस सर, वी आर प्रॉफिटेबल. कोई फंडिंग उठाई है? नहीं सर, वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप. कौन डाल रहा पैसा? पापा ने 6 लाख का लोन दिया था. ओ मेरे पापा दी ग्रेट. इक्वली ओन करते हो आप कंपनी? सो आई हैव 50%, मयंक हैज 30% एंड मयंक्स वाइफ हैज 20%. तो आपका फाइनेंशियल्स बता दीजिए, आपका रेवेन्यू कितना है, नेट इनकम कितना है? सो हमने सर सेल शुरू की अप्रैल 2022 में. 22-23 के अंदर वी क्लोज्ड 29.7 लाख नेट. और इस साल हमने ऑलरेडी 53 लाख कर दिया है, नवंबर इंक्लूड करके. फुल ईयर में कितना प्रोजेक्ट करते हो आप? इस ईयर वी आर लुकिंग टू क्लोज एट 1 करोड़. अच्छा, बट ये जो आप सेल बता रहे हो ये कहाँ करते हो? सर 50% हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, 50% ऑफलाइन. तो जो ऑफलाइन मार्केट है उसमें जो सेल हुई है ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर को दिया है, करेक्ट? Yes. उससे बिकी है या नहीं बिकी है अभी आपको उसका आइडिया नहीं है? सर अब तक 20 मंथ्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस एक भी चीज रिटर्न नहीं आया हमारे पास. और हम लोग उतना ही स्टॉक देते हैं जितना उसको एक महीने में बिक जाता है वहाँ पे. एक बात बताओ यार, च्युइंगम में वन प्रॉब्लम हमेशा रही है कि आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स एकदम से टेस्ट खत्म हो जाता है. तो देन यू आर लेफ्ट ओनली विद रबर. उससे काफी टेस्ट खराब हो जाता है माउथ में. ऐसी कोई डिलेड रिलीज वाली च्युइंगम नहीं बना रहे हो आप? हम एक और नया फ्लेवर वी हैव रिसर्च्ड अपॉन जो सस्टेन रिलीज होगा. सो इट विल बी मच लॉन्गर देन व्हाट इट इज राइट नाउ. कब लॉन्च करोगे आप? इट कैन बी विद इन 1-1.5. आपका R&D में कितना वक्त लगता है दोनों का? सर मैं पूरा प्रोडक्ट एंड टू एंड मैंने बनाया और मैं बोलता हूँ कि हर हफ्ते अगर आप मेरी च्युइंग गम खाओगे थोड़ा सा डिफरेंस होता है. दैट्स व्हाई वी हैव ग्रोन. टोटल कितने SKUs हैं आपके पास अभी? वी हैव 9 SKUs. चल मैं देखो ऑफर देता हूँ 50 लाख 5%. डरा रहे हो? वही चाहिए था ना तुमको? Yes. तो ले लो. प्लस प्लस क्या होता है अभी? प्लस रॉयल्टी एट 5% ऑफ योर नेट सेल्स अंटिल आई गेट माय 50 लाख बैक. And we hear other offers if anybody wants to join him. More the merrier. Expertise bhi achhi milegi. The more the merrier. I am enough for you guys. Ek second yaar. Tere ko royalty problem nahi? Royalty mein problem nahi hai sir. We want you guys jinhone matlab guidance is the main thing that you want. Banaya. Very nice. हमने वो बिजनेस वाला अब तक देखा है बट वी वॉन्ट टू ग्रो इट एज अ कॉर्पोरेट. वी वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट रिग्लीज, यू नो, लाइक इंडिया में जैसे सिनोनिमस होना चाहिए. जब कोई बोलेगा च्युइंग गम तो गुड गम आना चाहिए. तुम बूटस्ट्रैप्ड हो ना अभी? यस सर. तो फिर 5% में क्या होगा? 50 लाख में 10% दे दो हमको और मेरे को, रमन को 5% रॉयल्टी. व्हाट अ नाइस ऑफर. तो इनिशियली आप ही देखो सर, इतना डाइल्यूट कर लेंगे तो आगे जाके इतना का 10% इन द फर्स्ट राउंड इज फाइन. आगे जाके आपके लिए डिफिकल्ट हो. सर इज लुकिंग लाइक फेनल बाय द वे. उस टाइम से देख रहा हूं ही इज लुकिंग लाइक सॉफ्ट. सॉफ्ट हमारा जो फ्लेवर है, हमारा जो फ्लेवर है सर, लुकिंग लाइक सॉफ्ट. व्हाट डू यू थिंक सर? लाइक आप लोग कूल फ्रेशनेस. इतनी महंगी सॉफ्ट क्या लगता है? तो इंटरेस्टेड है? हूं सर, बट अच्छा सर रुक जा. तो सुनो अभी मैं भी, ये भी है, हम तीनों साथ ऑफर देते हैं तेरे को. अनुपम भाई, रितेश भाई और सौफ, हम तीनों आएंगे मिलके, ठीक है? 50 लाख 10% प्लस रॉयल्टी एट 5% अंटिल वी गेट आवर 50 लाख बैक. थोड़ी पैकेजिंग पे काम करेंगे, थोड़ा ये प्लास्टिक का बेटर करेंगे. Sure. और मैं वैसे ही बता रहा हूं, मेरे को च्युइंगम्स पसंद है तो तेरा रियल टाइम टेस्टर भी हो जाऊंगा मैं. Yes. Vinita ma'am, you were... मैं सोच रही हूँ 50 lakh 5% जो original था with 5% pay royalty up to 50 lakhs. तो मैं वो वाला offer आपको देती हूँ. तो अनुपम सर, आपने काफी पिक्चर्स में entrepreneurs को help किया है, but आप आपके नजरिए से बताइए, मतलब कि would royalty be good in our case? रॉन्ग शाक को पूछे. नहीं, आई हैव सीन अ फ्यू पिचेस जहां पे अनुपम सर ने बोला है कि आप मत लो डेट. बहुत अच्छा है, तो वी शुड हियर फ्रॉम. तुमने जो ये सवाल पूछा है ना, इसका आंसर मुझे. थैंक यू सो मच. गुड वन. तुम हाथ चलाओ, फोड़ दिया. देखो मैं एक बात बताता हूं आप, राइट? अगर आप मुझे 2 साल पहले क्वेश्चन पूछते तो मैं कहता मत दो.
But I think times have changed. Royalty से क्या होगा? आपको एक discipline आएगी to keep your company profitable. Perpetuity में तो है नहीं royalty. Correct. तो I think that DNA आपको बहुत help करेगा आगे जाकर to keep the company profitable. तो I think आज की तारीख में it's not a bad thing to consider. जो decision लीजिए, you have two offers. Vinita is giving you a 10 crore valuation और इन तीनों ने आपको दिया है 5 crore valuation. Royalty term same है. एक चीज मैं कहना चाहूंगा बस कि यहाँ पे आपका पिक्चर बाकी है, आपका पूरा ब्रॉडर कन्फेक्शनरी ब्रांड बन सकता है और कन्फेक्शनरी स्टोर्स की आपको जगह भी लगेगी. तो उसपे एक कंपनी है जिनके बड़े सारे होटल्स हैं जहाँ पर आपको कन्फेक्शनरी स्टोर्स भी बनाने का मौका मिल सकता है. मेरे तो दोस्त की एयरपोर्ट पे स्टोर्स है रेयर प्लैनेट के नाम. आप सब चारों साथ में आओगे तो क्या डील मिल सकता है? एक डील हो सकती है. एक डील कौन सी? 80 लाख, 20-20 लाख, 10%, 5% रॉयल्टी. अगर रॉयल्टी कट ऑफ कर दे या कम कर दे तो? तेरे पास एक ही डील है भाई. बस अब एक ही डील. 4 of us, 80 lakhs, 10%, 5% रॉयल्टी. You want to do 80 lakhs at 8%? आप चारों एंड 3% रॉयल्टी. नहीं बात, फाइनल ऑफर ले ले 80 लाख से 10%, वो बदलेगा नहीं बिल्कुल भी. रॉयल्टी 1-1% ले सकते हैं, 4% बेस्ट टू बेस्ट. दैट्स आवर फाइनल ऑफर. हाँ की ना बोलो. एंड बी द ग्रेटेस्ट गम, नॉट जस्ट गुड गम. ओके, लेट्स डू इट. डन डील. लेट्स डू इट. ऑलराइट, वेल डन. This is off for cash. Thank you so much. Amazing. But I love the confidence. और जो आपने question पूछा ना royalty वाला. Yeah, yeah. That was the best. That was the highlight. Thank you so much. That was the highlight. Thank you, Tony Stark. Thank you. Oh my God, इतना मत चढ़ाओ. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Build it together now. Please go build some better company. All the very best. कैंसर पेशेंट, जब मैं ये शब्द कहता हूं आप किसको पिक्चराइज करते हैं? एक व्यक्ति जिनके बाल झड़ चुके हैं, या कोई अपने सर छुपाने के लिए स्कार्फ या विग पहना हो? आप गलत नहीं हो शख्स. कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी दिया जाता है उसका सबसे बड़ा और कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस. ये इतना कॉमन है कि ये कैंसर पेशेंट की आइडेंटिटी बन चुकी है. कीमोथेरेपी के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. पेशेंट्स इन सारे साइड इफेक्ट से लड़के आगे बढ़ते हैं, पर जब उनके बाल जब जड़ते हैं उनका हौसला कहीं ना कहीं टूटता है. तकरीबन 8% पेशेंट्स कीमोथेरेपी को मना करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बाल बचाने हैं. पेशेंट्स की अपनी पहचान और उनका हौसला बनाए रखने के लिए हमारी कोशिश है ईवा स्कैल्प पुलिंग सिस्टम. ईवा स्कैल्प पुलिंग सिस्टम से कैंसर पेशेंट्स के बाल जड़ने से बच सकते हैं. वाओ, ये ट्रीटमेंट को कैंसर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है. इस ट्रीटमेंट में पेशेंट के स्कैल्प यानी सिर को एक प्रिसाइज कूलिंग टेक्नोलॉजी से ठंडा किया जाता है जिससे उनके हेयर फॉलिकल्स एक एक्यूरेट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. ये करने से हम उन हेयर फॉलिकल्स को कीमोथेरेपी से बचा सकते हैं. हेलो शख्स, मेरा नाम रघुवीर है. मैं स्टेमटेक मेडिकल डिवाइसेस का फाउंडर हूँ. मैं हैदराबाद से हूँ और IIM रांची का 2012 alumni. आज कीमोथेरेपी के द्वारा हुए हेयर लॉस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो वेल रिसर्च्ड है, जो ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस रिकमेंड करती है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी है, वो है स्कैल्प पुलिंग थेरेपी. ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं. शायद इसीलिए आज दुनिया में सिर्फ 3 कंपनी है जो ये डिवाइस बना पाए हैं, उसमें से हम तीसरे हैं. ये सिस्टम हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और नर्स ये ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करती है. हमने पिछले 1 साल में तकरीबन 12 हॉस्पिटल अक्रॉस 5 states और 1,000 से भी ज़्यादा सेशंस इस डिवाइस के जरिए कंडक्ट किया. मेरा विजन ये है
कि आगे जाकर जब हम कभी भी कैंसर पेशेंट के बारे में सोचें, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिनके सर पर बाल हो और कैंसर से लड़ने की एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो। आज मेरी आस्क है 30 lakhs फॉर 1.2% इक्विटी इन माई कंपनी। चलिए शख्स, कैंसर पेशेंट्स की पहचान को बदलते हैं। तो रघुबीर, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थोड़ा ये बताइए, ये प्रॉब्लम से आप इतना पैशनेट कैसे हैं, आप थोड़ा उस बारे में बताइए। सो माय आंट, शी वाज अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस्ड विद ओवेरियन कैंसर बैक इन 2018। सॉरी, आई स्टिल रिमेम्बर, लाइक उनके बाल पूरे बिगड़ गए थे एंड शी हैड कवर्ड हर हेयर विद अ सारी एंड शी वाजंट इवन, वो पलटने के लिए भी मना कर रही थी देखने के लिए। एंड दैट बहुत गहरी तरह से इम्पैक्ट किया है एंड इट्स ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड। मैं पिछले 8 साल से कैंसर के इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट से बात किया है। इट्स नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बट अ डीपली रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिससे डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। एज अ मैटर, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है ना कुछ लोगों का, वैसे कई लोग अपने स्किन में कॉन्फिडेंट भी हैं। तो रघुवीर, ये बताइए कि आपके पर्सनल बैकग्राउंड क्या है? सो आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैंने इंजीनियरिंग किया है वासवी कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एंड इन 2012 मैंने फाइजर में काम चालू किया है। 3 साल के बाद मैंने रोश कंपनी ज्वाइन किया है, वहाँ पर मैंने ब्रेस्ट कैंसर मॉलिक्यूल को लॉन्च करने के लिए ज्वाइन किया। एंड ऑफ 2017 मैंने रोश में नौकरी छोड़ी और मैंने डिग्नाइट कैंसर केयर स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 ईयर्स आई शट इट ऑफ। ठीक है, वो खत्म हो गया बिजनेस। ये वाला कब शुरू हुआ था? ये वाला 2020 में स्टार्ट किया है मैंने। क्या करता है ये? Can I quickly, with your permission, do a demo? Yes. ये सिस्टम 2 beds के बीच में रख सकता है और दोनों पेशेंट्स को एक ही बार देखे, इट कैन प्रोवाइड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फीमेल, पेशेंट एज ग्रुप, ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर स्कैल्प पूलिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, प्री इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन एंड पोस्ट इन्फ्यूजन। यानी इसे कीमोथेरेपी के पहले दिया जाता है 30 मिनट्स तक, कीमोथेरेपी के दौरान अज्यूम 1 hour इज द इन्फ्यूजन ड्यूरेशन और पोस्ट इन्फ्यूजन सेलेक्ट 1 hour। नाउ द मशीन इज रेडी टू स्टार्ट। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मशीन जो है मोबाइल कूलिंग यूनिट, ओके, और हमारा दूसरा पार्ट है ये कूल कैप। द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर स्कैल्प कूलिंग इज द एंटायर स्कैल्प रीजन जो होता है, उस सब रीजन को कूल करना होता है जहां पर हेयरलाइन हो। तो ये जो कैप है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लोटस डिजाइन। इट्स एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, लाइक एज यू कैन सी, आई कैन रैप इट इन द पाम ऑफ माय हैंड। या तो इसका हम देखते हैं डेमो कैसा है। अगर आप में से कोई आके महसूस करना चाहते हैं इसका कूलिंग कैसा होता है, प्लीज। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। जी, जेल लग रहा है। दिस इज अ कूलर। बड़ा साइज हेड है तो इट विल अकोमोडेट अकॉर्डिंगली। द सेकंड स्टेप इज द इंसुलेशन कैप, क्योंकि ये फर्स्ट कैप कॉन्टैक्ट देता है, सेकेंड कैप विल गिव द एग्जैक्ट प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड। ये मेडिकली सर्टिफाइड है कि आप इतना ठंड? इट इज रजिस्टर्ड विद CDSC। और दो कंपनीज भी है ना आपने बताया? जी, मैं आपको बोल रही थी ना, वो जो कूलेंट होता है फ्रीजर में, तो इसके अंदर क्या अलग है कंपेयर टू द फ्रीजर कूलेंट? इसमें क्या होता है, जो भी बॉडी का पार्ट हम कूल करते हैं वहां से ब्लड रिट्रैक्ट होता है। ये जो कूलेंट है हेयर फॉलिकल यानी स्कैल्प टेम्परेचर को 35 डिग्री से 17 डिग्री तक लेके जाता है। ये करने से जो ब्लड जा रहा है वो तकरीबन 70% ड्रॉप हो जाता है, जिससे कीमोथेरेपी जो जाने वाला है हेयर फॉलिकल्स को वो कम हो जाता है। ना अभी हेयर फॉलिकल्स क्यों डैमेज होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से? क्योंकि कीमोथेरेपी इसीलिए डिजाइन गया कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स जो ट्यूमर होता है उनको आइडेंटिफाई करे और डिस्ट्रॉय करे, और हमें हेयर फॉलिकल जो होते हैं बॉडी के हर पार्ट पे वो सेकेंड फास्टेस्ट हेल्दी ग्रोइंग सेल्स होते हैं, तो कीमोथेरेपी उन्हें भी मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन दिया जा रहा है वो टाइम पे हम जितना कीमोथेरेपी सर फॉलिकल्स तक पहुंचता है उसको कम करते हैं। स्कैल्प कूलिंग जो पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं
उनका हेयर रीग्रोथ फास्टर और हेल्दियर होता है। एफिकेसी व्हाट परसेंटेज? 50%। ओके, ये बाकी दो कंपेटिटर सेम कर रहे हैं? अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सेम है। व्हाट्स डिफरेंट इन यू? द डिजाइन ऑफ द कैप, दैट इज व्हाट इज पेटेंटेड। अच्छा, लोटस, दैट इज द मेन डिजाइन। बट आपने यहां क्यों लिखा है फिर इंडियाज फर्स्ट? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एशिया में वी आर द ओनली। ये तो मतलब सिंपल टेक्नोलॉजी है, तो व्हाई यू ओनली द फर्स्ट वन इन एशिया? That is my same question to you. अगर इतना आसान है, अभी तक किसी ने सोचा क्यों नहीं? क्यों नहीं सोचा? आप भी बताओ। I feel women related problems are underlooked in research. Ouch. क्योंकि अगर आप देखते हो कि it's true but not if there is potential. But आप बोल रहे हैं कि men नहीं use करते हैं। Maybe 10-20% are men. इसका क्या charges होते हैं? Hospitals charge 1500 to 4000 के बीच पर यूसेज पर सेशन। तो हॉस्पिटल को कितने की पड़ती है मशीन? 13 लाख। और कंपेटिटर? 24 लाख। तो आपकी तो ज्यादा सेल हो रही होगी। नेक्स्ट ईयर वी विल बी द लीडर्स इन द मार्केट। मशीन कहाँ से बनवाई? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग। अब ये बताओ, ये एक बार अगर कोई ले लेगा हॉस्पिटल तो ये वन टाइम सेल होगी ना मेन? उसके बाद ये जो कूल कैप्स है, ये तकरीबन 50 घंटे का लाइफ होता है। दिस आर सोल्ड फॉर 6000 रुपीस। ये डिवाइस दिन में 4 सेशन कर सकते हैं, 25 वर्किंग डेज माने 100 सेशन पर मंथ। बाकी दो कंपनीज का सेल्स क्या है इंडिया में? इंडिया नहीं, ग्लोबली। द कॉम्पिटिटर जिनका लास्ट ईयर का सेल था तकरीबन $20 मिलियन। इंडिया में कितना सेल्स है एनी वन ऑफ दीस प्लेयर्स? पिछले 4 साल में they've sold a little over 50 यूनिट। साल का 3-4 करोड़ का माल बिक रहा है। जी जी। तो यार मार्केट है कि नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। रघुवीर जी, थोड़ा आपका बिजनेस बता दीजिए। दिसंबर लास्ट ईयर हमने ये प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 वी हैव डन 22.5 लाख्स ऑफ रेवेन्यू। इन द करंट ईयर अप्रैल टू नवंबर वी हैव डन अबाउट 59 लाख्स ऑफ रेवेन्यू। और प्रॉफिट? यूनिट इकोनॉमिक्स में वी हैव अबाउट 85% ग्रॉस मार्जिन। लास्ट ईयर आर टोटल एक्सपेंसेस वेर अबाउट 1 crore, आर रेवेन्यू वाज 22 लाख्स। दिस ईयर वी हैव डन 59 लाख्स ऑफ रेवेन्यू एट 85 लाख्स एक्सपेंसेस। आपका एक मुझे समझ में नहीं आया, 15% कॉग्स है तो फिर इतना हाई प्राइस क्यों किया है? आप कम प्राइस करके इसका वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा? तो the adoption of this technology is price is not the barrier. It is 100% the barrier अगर आपको small cities में जाना है। Yeah, I don't think it's a barrier. जहाँ तक मैं समझता हूँ medical devices में 13 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। Hospitals. नहीं, but अनुपम, this is not curing the disease. इसी पे बेचिए टियर 2 के लिए, लेटर एक डिफरेंट लुकिंग मशीन लॉन्च करके 3-4 लाख में, दैट इज अ गुड अप्रोच। आपका पूरे साल का रेवेन्यू क्या बनेगा? 1.2, उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा? We would more or less be in a break-even sort of position. तो मुझे लग रहा है आपकी फंडिंग हो गई या ग्रांट्स मिले हुए हैं तभी आप पैसे लगा रहे हो? Yes, कहाँ से मिली है, कितनी मिली है, कब मिली? तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 25 लाख का सीड ग्रांट मिला है। अच्छा, that is in 21 July. उसमें इक्विटी था, वैल्यूएशन कैप 12 crore का। ओके, एंड 22 July I raised about 75 lakhs from an angel investor. That was 10.9 crore valuation. अरे कम हो गया, अच्छा वो कैप था। And 6 months ago मैंने दूसरा फंड उठाया 1.5 crore का। कितने में? At 17 crore valuation. और आज कितनी valuation मांग रहा है? 25 crore. एक question है मेरा, best product doesn't win. हमने देखा है ये, right? इसको कैसे tackle कर रहे हैं आप? फाइजर के जो एक्स सीईओ है मिस्टर श्रीधर, वो अभी मेरे बिजनेस एडवाइजर है। आई नो मिस्टर श्रीधर वेरी वेल। द थिंग आई वांटेड हिम ऑन बोर्ड इज, अगर हेल्थ केयर कंपनी बिल्ड करना है, इट्स अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ बेस, अ स्ट्रांग फाउंडेशन। उसके लिए मैं उनको लेके आया। आज कैश कितना कंपनी के पास? 1.2 crore इन द बैंक। तो आप 30 लाख रुपए से क्या मतलब क्या होगा आपके यहाँ? एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई एम रेजिंग ओनली 30 लाख, क्योंकि मुझे USFDA अप्रूवल लेना है। ये जो 30 लाख होगा, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये USFDA जो आता है, इट विल ओपन अप मेनी कंट्रीज, एट द सेम टाइम इंडिया में भी हमारा क्रेडिबिलिटी बनेगा। अगर 30 लाख रुपए हमने डाले तो कैसे, क्या एग्जिट कैसे होगी? देखिए, अगर नेक्स्ट ईयर आई शुड टच एटलीस्ट 8 crore रेवेन्यू, आई एम लुकिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 50 crore। फिर उसके बाद? मैंने अभी तक उतना ही सोचा है। मैंने बस ये प्लान किया है कि अगले 5 साल में 100 crore का कंपनी करना है। चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ 30 lakhs, 2%, but तेरा एक काम है, नमिता को इन करवाना पड़ेगा। नमिता जी, see I'll tell you honestly, 50% efficacy put me off. हम जब यहाँ invest करते हैं, most medical devices are 95% efficacy, but श्रीधर आपके board पे, so that got me excited because I have a lot of respect for him.
and second me. So he's probably seeing something जो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ. So worth taking a punt for 30 lakhs. Aman, let's do it. Yeah, 30 sure. lakhs for 2%. Aman and me will come together. I just have a small counter to offer. Please make it 1.8%. बाकी लोग के भी कुछ ऑफर्स हैं. उनको नहीं सुनना है ना, वो उनको वही चाहिए. Please. मैं भी आपको ऑफर देना चाहता हूँ. मैं आपको साथ में जो है हमारे दो मित्र हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कैंसर केयर की फैसिलिटीज चलाते हैं गुड़गांव में. हम उन दोनों से आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे. आप जानते ना आपके दो मित्र हैं और मेरे 2000. नहीं, ऑफ कोर्स. और इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि मैं आपको डील दे रहा हूँ, आप जिस भी शार्क को चूज करें, आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो उसको लेकर के मेरी 100% बेस्ट विशेस रहेंगी. सेल्स पिच क्यों दे रहे हो? तो सुन लो ना जी, आपने तो अपना ऑफर दिया नहीं दोस्त, मेरे को तो दिल ने दो. 30 लाख रुपए, 1.2% इक्विटी ओनरशिप, जो आपका आज था, मैं आपको वो देने के लिए तैयार. चल भाई, बहुत बहुत बढ़िया. गुड ऑफर. क्या बात है रघुवीर जी, आपने तो जादू कर दिया यहाँ पे शार्क्स पर. मेरा क्या प्रॉब्लम है ना यार, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टैप इनटू एग्जिस्टिंग डिमांड, डोंट ट्राई टू क्रिएट डिमांड, तब जाके बड़ी कंपनी बनती है. ग्लोबली आपने बताया, अनुमान लगाया हमने साथ मिलकर, 40-60 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, तो इंडिया में क्या तो बन जाएगी. आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स. सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट. सो ऑल द बेस्ट. ओके रघुबीर, ग्रेट गट्स. आपने बोला कि इंडिया से आप एक बड़ी मेडिकल डिवाइसेस कंपनी बनाने वाले हैं, एंड आपने एक और चीज बोली थी कि वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में रिसर्च में इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है, तो वेरी हैप्पी दैट अ मैन is investing in it. I don't think मैं इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर पाऊँगी. So I am out. But best of luck. Build a great devices company. अब हम तीन शाक बचे हैं. तेरे में कुछ तो है, तो कुछ कर लेगा. तो मैं, रितेश, नमिता, हम तीनों तेरे को मिलके एक ऑफर देते हैं. 30 lakhs for 1.8%. अमन, रितेश एंड नमिता जी. Deal pocket. Good job. Good job. Superb. Great. Unreal. Unreal, bro. Life is like that. Finally, medical deal में इन्होंने किसी और को लिया, पता है? ये तो कुछ चीनी जैसी कंपनी लग रही है. अभी स्ट्रेस देखना विनीता के फेस. ओह माय गॉड, मैं जानती हूँ ये. विनीता इज रियली एक्साइटेड. क्या बढ़िया कंपनी आई है. आई कांट थिंक ओनली नाउ. ₹22 करोड़. डरिए मत शार्क्स, ये हमारी आस नहीं है. ये इंडिया की टीनेज पॉपुलेशन है. Nice. भारत का ये आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ा है, और इन्हें ही हम जेन जी और जेन अल्फा भी कहते हैं. इन जेनरेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने दिल की सुनते हैं, बिना ये सोचे समझे कि चार लोग क्या कहेंगे. पर इनकी सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है, ना तो इनके पास ज्यादा पैसे है और ना ही पेशेंस. फिर भी ये अपने मन की ही करना पसंद करते हैं, जैसे छुप छुप के मेकअप लगाना, अब वो चाहे किसी को पसंद आए या ना आए. हर लड़की ने कभी ना कभी मम्मी, दीदी या दोस्त से मांग कर लिपस्टिक जरूर लगाई है, क्योंकि टीनेजर्स को मेकअप के लिए कभी अप्रूवल ही नहीं मिला. दैट्स नॉट द नीडेड वन. बट कभी भरोसा भी नहीं मिला कि जो प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं वो उनके लिए सेफ भी है या नहीं. बट फिर भी वो अपनी मन की किए जाते हैं. और इसी फियरलेस जनरेशन के लिए हम लेकर के आए हैं एलईटी, इंडिया का पहला टीनेज मेकअप ब्रांड. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है प्रणाली और मैं चंद्रपुर से हूँ. मेरा नाम है वेलिना, मैं अजमेर से हूँ. एलईटी आज के टीनेजर्स के लिए एक ऐसा ब्रांड है जिसे वो ओन कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं और हक से अपना कह सकते हैं. हमारे सारे प्रोडक्ट्स टीन स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विच हेजल और एवोकाडो ऑयल से बने हुए हैं, ताकि उनके सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ हो. 22 कलर्ड आईलाइनर्स, लिप ग्लॉसेस,
नेल पेंट्स और उसके अलावा हम लाए हैं 5 यूनिक पर्सनैलिटी बेस्ड मेकअप किट्स जो टीनेजर्स अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चाहे वो कोई स्वीट 16 बर्थडे पार्टी हो, कोई कॉलेज का फेस्ट हो या यू नो जस्ट गेट रेडी विथ मी इंस्टाग्राम रील, एलिटी ऑलवेज मैचेस द टीनेजर्स वाइब। हम ये प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और सारे मेजर मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं। हम अब तक 30,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं। हमारा विजन है कि हम एलिटी को टीनेजर्स का मोस्ट लव ब्यूटी ब्रांड बनाएं। हमारा आस्क है 1 crore फॉर 4% इक्विटी। सो शार्क्स, आप भी अपनी दिल की सुनिए एंड चूज करिए एलिटी। अमेजिंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच एन एक्साइटिंग कैटेगरी। थैंक यू शार्क्स, प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहिए। प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। Thank you so much. Thank you. Lovely names and packaging. Thank you. एक-एक पाउच में काफी thought through, काफी टाइम लगाने के बाद basically हम launch. Lovely colors. Branding पर तो आपने काफी बारीकी से काम किया है ना? Vibe बहुत अच्छा है आपका, मतलब just generally reasonably interesting. आपने एक grown up makeup brand के बारे में तो सुना है, Sugar. Of course. तो आप क्या हुई, चीनी कम? एक्चुअली शुगर प्ले हमारा कॉम्पिटिशन है। अच्छा, आपके जो आई लाइनर्स है वेरी नाइस, थैंक यू। पिंक एंड ब्लू बहुत पॉप कलर्स है, एंड इवन द ग्लॉस का जो ये है कवर, वेरी एस्थेटिक एंड वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। आपके टॉप 2 सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? आईलाइनर एंड लिप ग्लॉस। क्या परसेंट ऑफ सेल्स आपके आईलाइनर? 80, ऑलमोस्ट 80। दैट्स व्हाट आई थॉट। बट आप ये बता देंगे कि उसमें से टॉप 2 या 3 कलर्स कितना पसंद? बिल्कुल मत बताओ। हमारा टॉप शेड है द वन दैट वी आर वेयरिंग, वन लाइलैक, लाइलैक वाइट एंड येलो। आपका भी लाइलैक ही है? नो, इंडिया का मार्केट इज 90% ब्लैक। तो आपकी जो सेगमेंट है, दे आर लुकिंग फॉर कलर्स स्पेसिफिकली, यस, एंड यू आर द फर्स्ट चॉइस फॉर देम। यस, दैट्स अ डिफरेंशिएटर। आपके ब्रांड में क्या प्राइस है, और यही चीज अगर कोई एडल्ट रेंज से लेंगे, मान लीजिए शुगर से, तो उसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस 499 है, और शुगर में भी आईलाइनर्स या लिप ग्लॉस सेम प्राइसिंग पे ही है। ये मार्केट साइज कितना बड़ा है? 6 billion, मतलब 50 crore के आसपास, बट देन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वाली बात आ जाती है। नहीं नहीं, जो आपका मार्केट आप बोल रहे हो 50,000 crore का, दैट इज इंक्लूडिंग स्किन केयर, मेकअप, ब्रांडेड प्लस अनब्रांडेड मिला के आज की तारीख में 10 to 12,000 crore का ही है। गिवन दैट आप बोल रहे हैं 22 crore आज की तारीख में टीनेजर्स हैं, मेरा अनुमान है कि उसके हिसाब से करो तो ये शायद पोटेंशियल है 2,500 crore का, व्हिच इज नॉट स्मॉल, इट्स अ बिग मार्केट। लेकिन आप इस कैटेगरी में हाउ विल यू विन? एक तो एक सेगमेंट है जो कि काफी यूनिक है हमारे लिए, काफी अंडरसर्व्ड है, और फिर हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझा है, जैसे उनकी सेंसिटिव स्किन होती है और उनके काफी सारे हार्मोनल चेंजेस, ये सब को ध्यान में रखते हुए हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो हम बोलते हैं टीन सेफ इंग्रेडिएंट्स। और फिर तीसरा जो असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारा, वो अगेन हमने ऐसे सिलेक्ट किया है कि वो कम्प्लीटली जो वाइब ऑफ द जेंजीज एंड टीनेजर्स है उनके साथ जाए। आज इंडिया में किसी के पास 22 कलर्ड आईलाइनर्स नहीं है, तो अच्छा, हम आगे हैं। जो जो अभी तक आपने बातें की ना, क्लीन गुड इंग्रेडिएंट्स कुछ साल में एंटायर मेकअप कैटेगरी विल ओनली बिकम क्लीन, बिल्कुल वो होना ही पड़ेगा। आई थिंक तो इसके अलावा देयर हैज टू बी समथिंग एल्स। नो, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, कंटेंट। यस यस, हम बहुत अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे हमारी 18,000 फॉलोअर्स है। हमें ये पता चला कि हमारे आईलाइनर्स से टीनेजर्स ग्राफिक आई लुक्स बनाते हैं। ये वर्ड भी हमें नहीं पता था, ये पता चला। क्या होता है ग्राफिक आई लुक? इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हैं, आप कंटेंट दिखा दो प्लीज। हाँ, ग्राफिक समझ में आ रहा है क्या है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉस्ट्यूम मेकअप, बट नॉट बैड। 30,000 लाइक्स ऑन, नहीं ना, दिस इज वन ऑफ आवर पेड, ये ऑर्गेनिक है, और दिखाओ। नहीं नहीं, ये पेड इन्फ्लुएंसर है। आप बहुत कोलैबोरेशन वीडियोस डालते हो मोस्टली? बार्टर हम लोग ज्यादा करते हैं, ऑब्वियसली पेड अभी कम करते हैं, पेड हमने एक दो ही करे हैं। अच्छा है यार, आपका कंटेंट अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। थैंक यू अमन। थोड़ा बिजनेस बता दीजिए। हमने अगस्त 2022 में लॉन्च किया था, तो अप टू मार्च 2023 हमने नेट सेल्स किए थे अबाउट 49 लाख।
ओके अभी हम 7 महीने मतलब अक्टूबर तक बोलूंगी 1,13,00,000 कर चुके हैं तो ये साल हम 2 करोड़ पे ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे इसमें से हमने कैंसिलेशंस रिटर्न्स टैक्स सब हटा दिया पर 2 करोड़ में आप कमाओगे कितना अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कमाएंगे क्योंकि हम प्रॉफिटेबल नहीं है लास्ट मंथ कितना किया आपने नेट सेल्स 11 लाख और लॉस कितना किया -10 लाख एबिटा मतलब आपने पैसे उठाए है ना कितना उठाया किससे उठाया 2 फंड रेज किए हैं एक किया था आइडिएशन स्टेज पे 2021 में जो था अबाउट 2.1 करोड़ किससे किया था एंजल्स थे मतलब और वैल्यूएशन 10 पोस्ट एंड सेकेंड फंड रेज मार्च 2023 में वो था 3.2 करोड़ का ओके और वो कितना वैल्यूएशन 20 करोड़ प्री मनी पे तो मतलब 23.2 तो ये अभी 5 करोड़ आपने जो रेज किए उसमें से कितने खर्च कर दिए कितने बचे 4 तो खर्च कर दिए सो प्रणाली एंड विलीना 2 करोड़ के सेल्स पे 25 करोड़ वैल्यूएशन में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी स्पेशली बिकॉज आपका प्रायर फंड रेज उस वैल्यूएशन पे है डजंट मेक सेंस टू मी सो आई एम आउट बट विश यू द बेस्ट बट आई कांट बी पार्ट ऑफ योर जर्नी चंद्रपुर और अजमेर से आके आपने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है कि आपने एक मेकअप ब्रांड स्टार्ट किया जहां लाइलैक आईलाइनर इज द बेस्ट सेलर Incredible, very bold women. Congratulations. And मैं आज इससे 2 reasons के लिए बाहर हूँ एक तो 11 लाख net revenue पे जब 8-10 लाख का loss होता है तो उसका मतलब है कि contribution margin जिसे बोलते हैं उसमें भी आप शायद negative हैं हम लास्ट 2 मंथ से कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है तो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा -23% है बट अगर सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो +6% है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन वो मेट्रिक है जिसे कंपनी की सेल्स से सारी वेरिएबल कॉस्ट हटा करके निकाला जाता है ये वेरिएबल कॉस्ट रखती है पेमेंट गेटवे के कॉस्ट बाकी सारी मेकिंग कॉस्ट और उसके साथ साथ डिलीवरी और मार्केटिंग के स्पेंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एक बहुत ही जरूरी मेट्रिक इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहे तो कंपनी कितनी प्रॉफिट स्केल पे बना सकती है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 के अंदर में कई सारे वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मेकिंग कॉस्ट पेमेंट गेटवे कॉस्ट और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हटा दिए जाते हैं उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 से अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हटा दें तो बन जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2 उसके बाद अगर आप जाएं और अपनी ब्रांडिंग कॉस्ट को हटा दें तो बन जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3 उसके बाद फिक्स कॉस्ट अगर आप हटा लें तो बन जाता है इबिटडा तो अब आप समझे क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या बेनिफिट ये एक प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज एज अ इन्वेस्टर ये समझ नहीं आता है कि कंज्यूमर प्यार से खरीद रहा है या इतनी मार्केटिंग हुई है इसलिए खरीद रहा है दूसरा एक सजेशन है दिस जनरेशन बहुत केयर करती है अबाउट वैल्यू फॉर मनी यहाँ आप काफी क्लोज हैं अडल्ट ब्रांड्स के प्राइस पॉइंट पे अगर आप कंसिडर करेंगे इसका प्राइस पॉइंट 30-40% और कम करना बहुत अनलॉक कर सकती हैं आप इवन अनब्रांडेड वाला मार्केट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग वुमेन बेस्ट ऑफ लक थैंक यू अभी जैसे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए बचे हैं अगर ना मिले फंडिंग तो व्हाट इज द प्लान बी अभी का प्लान तो ये है कि देन फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कंप्लीटली हो जाएगा CM2 तो ब्रेक इवन पे चलाएंगे अभी जब आप देखोगे कि बहुत सारे फंडेड ब्रांड्स लेगेसी ब्रांड्स वो जब घुसेंगे तो ये और महंगा होता जाएगा कस्टमर एक्विजिशन महंगा होता है तो आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाओगे और ग्रोथ भी लाते रहोगे तो इसके लिए हमने चैनल स्ट्रेटजी शिफ्ट करी है पहले हम वेबसाइट पे बहुत फोकस कर रहे थे हमारा 60% कॉन्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से आ रहा था बट अभी हम फोकस कर रहे हैं चैनल पार्टनर्स पे जैसे कि मिंत्रा और नायका पे अभी लास्ट मंथ अक्टूबर में मिंत्रा का कंट्रीब्यूशन था 43% वेरी नाइस और ये इसीलिए था क्योंकि उनसे हमें एक B2B PO भी मिला एक चैनल स्ट्रेटजी चेंज करी उससे फर्क पड़ रहा है उससे फर्क पड़ते हुए हमें दिख रहा है क्योंकि CAG हमारा वेबसाइट पे ही 1,000 रुपए पहुंच गया था उसको अक्टूबर में हम 400 रुपीज तक लेके आए बट मार्केट प्लेसेस में हमारा CAG ऑलरेडी 200 पे चल रहा है तो दैट वर्क्स फॉर अस ग्रॉस मार्जिन क्या बताया आपने B2B वाला तो हमारा 36% है और B2C में क्या है आपका 75-80% के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम डिस्काउंट्स कितने दे रहे हैं और आपकी इक्विटी स्प्लिट 40% इक्विटी मेरे पास है ओके 25% प्रणाली के पास है और बाकी एंजल्स 35% इज गॉन यस सॉलिड कंटेंट सॉलिड ब्रांड And I think
आप लोग ग्रो कर सकते हो और इस कैटेगरी में फोड़ सकते हो, बट बीच में आप कहीं अटके हुए हो। आपको अपने ब्रांड को और सॉलिडिफाई करना पड़ेगा इन दैट मार्केट, टारगेट मार्केट, जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बट आप वो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन में ना मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता आपके साथ पैसे लगा के, बट आई जस्ट होप यू गाइस डू वेल। सॉरी आई विल हैव टू बी आउट। थैंक यू अमन। जैसे वो कहते हैं ना, फिल्में एंटरटेनमेंट 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 से चलती हैं, वैसे स्टार्टअप कस्टमर 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 से चलता है। तो आपने अपना कस्टमर बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लिया है, पर आज आप जिस सिचुएशन में हैं वो इजी सिचुएशन तो नहीं है। आपको और प्रणाली को बैठ के बात करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें इस पर प्रॉफिटेबल भी होना है और सक्सेसफुल भी होना है, करना क्या है उस पर आप दोनों को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। मैं आज क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उस कारण से मैं बाहर हूँ, पर मैं चाहूंगा कि आप ये बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि कस्टमर्स के लिए आपने फिगर आउट कर लिया। आपको बस अपने इस जो चक्रव्यूह में आप फंस गए उससे निकलना। जो आपके पास ऑलरेडी है उससे तो कंपनी बहुत डामाडोल स्थिति में है, राइट? मेरा ये व्यू था कि 1 करोड़ और डाल के इसको थोड़ा फोकस करके कैन वी गेट इट टू अ लेवल कि एक फाइटिंग चांस मिल जाए अपने को। लेकिन उसके लिए मैं ये वैल्यूएशन पे नहीं आ सकता। आई एम हैप्पी टू मेक यू एन ऑफर, आप ना बोल सकती हैं। इट्स 1 crore फॉर 15%, राइट? गिवन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, मुझे पता है आपको एक बार सुन के ऐसा लगेगा एंड इट मे नॉट बी राइट, लेकिन आपको अपने ऑप्शंस एग्जामिन करने पड़ेंगे। क्या हम एक्चुअली में 6% पे कर सकते हैं? यू हैव 1 crore इन योर पॉकेट, उसमें से बर्न 10 lakh हो रहा है, मतलब दीवार सामने दिख रही है हमें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेंस बनना चाहिए, राइट? तो वो लेवल पे नहीं बन पाएगा। हमने जो प्री सीड राउंड किया था उसके और इस राउंड के बीच में हमने काफी सारा ग्रो किया है, काफी सारा लॉन्च किया है, वो एक बॉटम लाइन है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। कितना तो 9% इज समथिंग वी रियली वांट यू टू जॉइन अस। आई वांट टू जॉइन यू गाइस एज वेल, लेकिन वो मैंने आपको जितना हो सकता था ऑलरेडी बता दिया। इसका जो आउटकम है वो आज नहीं दिख रहा है, तो आई एम जंपिंग इनटू अ पिट विद यू। नहीं, ऑलरेडी नंबर्स हैं। इट डजंट मैटर आपके नंबर्स क्या कहें, इसको अगर बड़ा करना है गिवन जो कंपटीशन आ रहा है, हमको पैसे रेज करने पड़ेंगे, राइट? 10-15-20 crore रुपया एटलीस्ट रेज करना पड़ेगा। तो इट्स अ रियली रियली टफ प्रोपोजिशन। हमारे पास काफी यूनिक पाइपलाइन भी है। आई कांट बच। लेट्स क्लोज दिस। We would have loved to have you on board, but no problem. Thank you for coming to Shark Tank. No, respect. Thank you so much. Thank you so good much. Good luck, guys. Thank you. All the best. Okay. दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है, और आज हमारे साथ आज द शार्क में जुड़ रही हैं फार्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स नमिता थापर मैम। वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम। अनुराग जेठवानी कानपुर से आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने शार्क टैंक के इन्वेस्टमेंट से खुश हैं, और क्या लगता है कि रिटर्न्स कब तक मिलेंगे? एज इन्वेस्टर्स वी टेक अ बेट ऑन द फाउंडर्स। तो जिन फाउंडर्स के साथ मैं जुड़ी हूँ, दे आर सपोर्टिंग ब्रिलियंट कॉजेस, और इतने हम्बल, इतने ड्रिवन है दैट आई एंजॉय मीटिंग देम। You know, we brainstorm, एक दूसरे से सीखते हैं हम, so I'm very happy. रही बात returns की, this is a long-term journey. I am not there कि बस 6 महीने के बाद मुझे flip करके profit बनाना है. Having said that, एक spray और pray philosophy होती है, जहाँ let's say season 1 में मैंने 17 companies में invest किया, there'll probably be 5 or 6 companies जो मेरा principal और उस पर एक decent return मुझे देंगी through exits. And that's good enough. Okay. Right? So that's how it works, and I'm very confident ki I will have a good exit. Looking forward to it, ma'am. Thank you very much. Anurag bhai, thank you for asking this question. Hame bhi isse thoda idea lag jata hai ki kitne paise banne wale hain. Thank you so much for asking this question, and for the rest of you who are watching, aap bhi apne sawal jo aapke shark se hain, aap hame bhej sakte hain. Hum aapka kaam kar denge. Hum unse jawab nikalwa lenge. Thank you so much for watching. Stay tuned. Aapse milenge agle aaj ke shark mein with a new shark and a new question.